ऑलवेज बीन वेरी रेजिलियंट. अब कोविड का जहाँ तक ताल्लुक है, पीपल हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम, मगर अब वक्त आ गया है कि सारी कंट्री से और बाहर से भी लोग जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू करें. ऑलरेडी कुछ ऐसी इंक्वायरीज जो हैं यहाँ आ रही हैं. माई फ्रेंड्स टेल मी दैट दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज, द होटल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज, एंड वी आर गियर्ड अप, वी आर वेरी एंथुजियास्टिक. यू कुड सी द एंथुजियाज्म बाय द नंबर ऑफ पीपल हियर. जो हम आज की मीटिंग यहाँ पर हुई है, जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं, लेट्स होप कि जो हम जिस टर्मोइल से गुजरे हैं, जो हम प्रेजेंट कंडीशंस आफ्टर 5th August एंड देन दिस कोविड कंडीशंस, इंशाल्लाह वी विल रिकवर वेरी सून. बट ये है कि हमें गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट चाहिए ताकि जो टूरिज्म, जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एंड ईजी वे आउट हो उन लोगों के लिए, ताकि कश्मीर आकर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. मुझे लग रहा है, एज़ फार एज़ माई अंडरस्टैंडिंग गोज, मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की भी ये मैसेज है, बी वोकल फॉर लोकल. अब जो है ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, इंटरनेशनल पैकेजेस पे लोगों को बहुत सारा स्पेंडिंग करना पड़ता था. नाउ दे विल हैव टू गो बैक टू द लोकल टूरिज्म, दे विल बी स्पेंडिंग लेस कम्पेयर टू द इंटरनेशनल टूरिज्म. तो मुझे लगता है डोमेस्टिक टूरिज्म का बूम होगा इंशाल्लाह एज सून एज वी आर डन विद द कोरोना वायरस स्केयर. एटलीस्ट आई बिलीव कि मार्च के बाद अच्छा खासा रिवाइवल हो सकता है एज फार एज डोमेस्टिक टूरिज्म इज कंसर्न्ड.